यहाँ की तकलीफें इस प्रकार की थी कि लोगों को लोन तो पहले मिलता नहीं था। दूसरी तकलीफ, मैंग्रोव में होने की वजह से खरीदी करने आते तो बैंक लोन नहीं देते थे, बच्चों के एजुकेशन के लोन नहीं मिलता था, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं थी जो माढ़ा एनओसी ना देने की वजह से अटका हुआ था। और वो गणेश भाई के फॉलोअप और बाकी जो हमारे मित्र थे उनके सहयोग से एक बोले तो चार को सेक्टर 8 और 9 के लिए एक संजीवनी बूटी का काम हुआ है माढ़ा एनओसी। आप क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के लिए जिन्होंने इतना मेहनत की, आप खुद इसमें लगे रहे? ये जो हस्तांतरण जो विषय होता ते हस्तांतरणाच्या विषयाबद्दल आता जे माझे मित्र गणेश जाधव आणि सिंग साहेबने जे बताया हिंदी मध्ये बरोबर मराठी